सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कि भाजपा के एक बड़े नेतृत्व संभाल रहे हैं इस वक्त में, एक बड़ी पार्टी जो कि अभी हमारे भारत के अंदर सरकार चला रही है, इसके अंदर ऐसी अभद्र टिप्पणी करना बहुत गलत है, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए हैं। अभी हमने कुछ वक्त पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी के ट्वीट के ऊपर और समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि उन्होंने जो अनर्गल भाषा यूज़ करी है बहुत गलत है, इस तरीके की भाषा शोभनीय नहीं है, और जो बड़ा नेतृत्व तो संभाल रहे हैं खासकर उन लोगों के लिए तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। आज यूथ कांग्रेस अजमेर हमारा संगठन संगठित है, हमारी यूथ कांग्रेस एक है, हमने आज प्रदर्शित किया है क्लॉक टावर थाने के बाहर में सुब्रमण्यम स्वामी जी का पुतला दहन करके हमने अपना रोष व्याप्त किया है, और साथ ही हम लोग ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरीके की भाषा अगर कांग्रेस के किसी बड़े नेतृत्व के ऊपर की जाएगी, यूथ कांग्रेस बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी, ये एक्शन देंगे, हम उसका रिएक्शन देंगे, आगे कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा आला कमान जैसा हमें निर्देश देगा उस हिसाब से हमारी यूथ कांग्रेस खुल करके इस मामले का विरोध प्रदर्शन करें। अजमेर बंद का आह्वान रखोगे? अजमेर बंद का आह्वान अभी हम नहीं बोल सकते हैं, हमारा आला नेतृत्व जो इस चीज़ के अंदर आदेश देगा उसी तरीके से हमारी आगे इस चीज़ के ऊपर रणनीति बनेगी। आप बनाओ। मैं अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती। 5 और 6 तारीख को सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को ये न्यूज़ प्राप्त हुई कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और राहुल जी जो कि बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं उनको लेके ऐसी टिप्पणी करी गई है बिना किसी प्रूफ के साथ में, उसको लेके यूथ कांग्रेस ने आज यहाँ रोष किया है, पुतला दहन किया है, और मुकदमा अब हमारी अगली कार्रवाई यह है कि क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि इसको लेके प्रशासन हमारा सहयोग करेगा। आपका नाम? मेरा नाम कुतुब चिश्ती, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष।